तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरे को पता अभी वैसे टाइम गुड मॉर्निंग का नहीं, गुड नाइट का है, क्योंकि अभी टाइम हुआ है रात के 12 और अभी तक हम जग रहे थे। क्यों वो आप आगे चेक करो वीडियो में। जनाब आज वो प्यारा सा दिन है जब पहली बार मेरे रोने पर मेरी माँ मुस्कुराई थी। इट्स माय बर्थडे टुडे, हैप्पी बर्थडे। वो अभी आप वीडियो और थंबनेल टाइटल वगैरह देख के समझ गए होंगे, टुडे इज माय बर्थडे। सो इसलिए अगर सोता तो फिर वो कॉल वगैरह आती तो जगना पड़ता, तो इसलिए सोया नहीं। वैसे नहीं बहुत आ रही थी, तो अभी फिलहाल टाइम हो गया। तो अपने साथ अपने प्रिंस भाई ये दिख नहीं रहे, ऊपर बैठे हैं क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था, मतलब स्टोरी वगैरह अपलोड करनी थी तो इसलिए। तो अभी फ़िलहाल टाइम 12:30 हो चुके हैं, तो अभी सोते हैं क्योंकि सुबह भी उठना है और सुबह का अभी कुछ पक्का प्लान नहीं है। देखते हैं सुबह उठ के, फिलहाल सोते हैं। तो अभी गाइस टाइम हुआ सुबह के 8:30। तो मैं वैसे मामा के घर ही हूँ, कल रात को आया था, अभी भी हूँ। मैं पिछले बर्थडे भी यहीं पर था और इस बर्थडे भी यहीं पर हूँ। तो अभी थोड़ी देर बाद जाते हैं फिलहाल। और बाकी भाई साहब इतनी ज़्यादा वैसे जा रही है, अभी तक पूरी स्टोरी स्टेटस भी नहीं लगा पाया। अभी भी बहुत सारी पड़ी, बहुत सारी तो लगा दी, अभी भी बाकी पड़ी है तो वो भी लगानी है। एक तो नेटवर्क स्लो है यहाँ पे, बाकी कुछ भी कहो, बाकी सारे दिन एक तरफ और बर्थडे का दिन एक तरफ, अलग ही एक्साइटमेंट होती है। पता नहीं क्यों सब विश करते हैं, एकदम अलग फील आती है। वो आप आगे देख लो, आगे वीडियो में देख लो ज़रा। मुझे नहीं पता इन सब में अगर कोई रह जाए तो सॉरी, पर थैंक यू विश करने के लिए। मतलब क्या ही बोले, एक तुम अलग ही फीलिंग आ रही है आज, तुम पता नहीं क्यों, पर जो भी है अच्छी फीलिंग है एकदम मस्त। और अभी आपको पीछे चिड़िया और कोयल वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे मतलब खेत वगैरह है ना, तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत सारी हैं चिड़िया वगैरह कोयल वगैरह, तो आपको आवाज़ आ रही होगी, सुनो ज़रा। सुना। सो अभी गाइस घर पे आ चुके हैं, तो अभी नहाया नहीं है, तो पहले नहा लेते हैं क्योंकि अभी टाइम हो गया सुबह के 11 और अभी तक नहाया नहीं है, और देखो पसीना आ गया, तो अभी पहले नहा लेते हैं। अभी गाइस टाइम हुआ 2:45, और अभी तक मेरे पे बर्थडे विशेष आ रही है, बहुत सारी तो आ गई और अब भी आ रही, क्योंकि किसी को काम था, कोई काम में लगा था तो लेट हो गया, अभी तक विशेष आ रही। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा सबको दिल से, थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। मतलब सभी ने मतलब बर्थडे विशेष की, तो अलग आज तो अलग ही फीलिंग आ रही है। जैसे हर जगह बस मेरे मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बस मेरी फ़ोटो है, तो अच्छा लग रहा है। तो अब मैं क्या बोलूँ, थैंक यू। वैसे भी मैंने इतना सोचा नहीं था, मैंने सोचा था थोड़े बहुत कुछ गिने चुने लोग रखेंगे, वो मेरे को पता था घर के, पर बहुत सारे लोगों ने स्टोरी वगैरह रखी, मेरे को मैसेज किया पर्सनली, तो बहुत अच्छा लगा और मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा, फिर से थैंक यू। तो अभी यहाँ पे अपनी आ चुकी है एनर्जी ड्रिंक और कुछ नाश्ता वगैरह, तो अभी फ़िलहाल करते हैं इसको। तो अभी का इस टाइम हुआ 4:30, और अभी मैं आया था यहाँ पे भूत बंगला बोलते हैं हम इसे, स्टॉप है छोटा सा, मतलब पहले से ही भूत बंगला समझ लो नाम से ही। तो यहाँ पे आया था मामा जी को छोड़ने के लिए, तो अभी फिर से जाना है वापस, शायद आना पड़ सकता है, आना तो ठीक है, पर इतनी धूप हो रही और ऊपर से एक बार तो मधुमक्खी आ गई थी, वो तो शुक्र है चश्मा पहन रखा था मैंने, वहीं पे गिर जाते और आज बर्थडे का हो जाता,
वो डंक मारती वो अलग और गिरते वो अलग। शुक्र है ये चश्मा था तो बच गया। अभी फ़िलहाल चलते हैं, देखते हैं अगर वो भाई एक और है उसको लाना है, अगर वो आ जाए तो ठीक है, वरना मेरे को फिर से आना पड़ेगा यहाँ तक। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं। अभी गाइस टाइम हुआ है शाम के 7 बजे और अभी भाई लोग गए केक लेने के लिए। और आज ही मेरा फर्स्ट बर्थडे मना रहा हूँ, मतलब इससे पहले मैंने कभी भी बर्थडे नहीं मनाया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी फ़िलहाल हो गए और लेके आते हैं, फिर देखते हैं। अभी सुपर एक्साइटेड फॉर फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन। तो अभी फ़ोन को चार्ज फिर लगा लेते हैं क्योंकि चार्ज भी करना है, वीडियो भी बनाना है, तो अभी फ़िलहाल चार्ज कर लेते हैं। तो अभी का इस टाइम हुआ रात के 11 बज गए, तो अभी सब लोग जाग चुके हैं। तो अभी बहुत मज़ा आया क्योंकि एक्साइटमेंट भी थी और नर्वसनेस भी, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट टाइम था ना तो इसलिए। और मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि घर वाले थे और मतलब थोड़ा बहुत दिखा दिया जो आपको दिखा सकता था। तो बाकी मज़ा आया और सबको दिल से फिर से थैंक यू इतने सारे विशेज देने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मैसेज वगैरह मतलब स्टोरीज वगैरह रखी तो अच्छा लगा, और उनको फिर से दिल से थैंक यू। और ये जो बर्थडे था वो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था क्योंकि इससे पहले तो मनाया नहीं, तो बहुत मज़ा आया। और बाकी जैसा भी बर्थडे था, जो भी मतलब अरेंजमेंट वगैरह था वो भैया और अपने अक्की भाई का था स्पेशली, तो उनको थैंक यू दिल से, फर्स्ट एवर बर्थडे, बेस्ट। और बाकी अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस फिर से एक बार थैंक यू। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा क्योंकि थोड़ा बहुत जो दिखा सकता था आपको दिखाया। तो अभी फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।